गुड मॉर्निंग मित्रों, आपने प्रश्न छ सुधी छठानो बीजो प्रश्न पूछा। आपने प्रश्न छ सुधी छे ए करी लीधो। हवे प्रश्न नंबर बे ए आपणे करवानो छे। प्रश्न छ सुधी करी लीधो, हवे प्रश्न नंबर सातमां बीजो प्रश्न, पेलो पण करी लीधो। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? जवाब, बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था, इस वह इसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देंगे। वह एक रहते देखा, वह डाकू था। जो चीज़ उनकी पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था, उसके पास बाहुबल था। प्रश्न नंबर त्रण, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? जवाब, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरह खाकर उस अपाहिज का घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। उस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त कर लिया। चौथो, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा ने क्यों कहा? जवाब, बाबा भारती संत पुरुष थे, दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। इनकी हंसी दयालु का लाभ उठाकर खड़क सिंह उन्हें धोखा दिया। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इसी धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाए तो वे किसी गरीब या दीन दुखियों पर विश्वास करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह ने उसी धोखेबाजी की लोगों के बारे में बताने से मना किया। पांचवा, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? जवाब, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हाथियों की यह घटना किसी के घटना इस हत्या घटना से किसी के सामने प्रकट ना करें। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसी सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। छठू, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा व्यवहार किया? जवाब, घोड़े को वापस आया देकर बाबा भारती ने खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसे गले से लिपट कर रोने लगे कि बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसे मुंह पर
थपिया देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देकर बाबा भारती ने उसे नहीं वर्तित किया। हमें सातवां प्रश्न, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? जवाब, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्होंने डर था कि अब घटना का पता चलने पर लोगों गरीबों दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध आया था। उसी रात को ए पाछो आवियो तो जब खड़क सिंह ढोलबाजी की बात फैलने से डर नहीं था। वही प्रश्न नंबर 8, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत को रखा गया है अथवा बाबा भारती की हार की जीत कैसे बदल गई? जवाब, डाकू खड़क सिंह अपाहिज के रूप में था इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़क सिंह से हार गए थे, परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर हुआ। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुए। रात के अंधेरे में वे वह सुल्तान को फिर बाबा के अस्तबल में बांध आया। इस प्रकार बाबा ने हार की जीत में बदल दी। हमें 9 टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। इनकी हृदय में दीन दुखियों के प्रति आचार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना भी अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की बात किसी को सामने प्रकट न करते की प्रार्थना की। बाबा भारती ने ऊंचे विचारों खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल दी। देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दंग के इंसान थे। हमें प्रश्न नंबर 10, कि यही बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? के एनी जगह बाबा भारती की जगह आपड़े होय तो शू करिए? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन लेगा। उनकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव के मेरे पास कोई उपाय नहीं है तो वह किसी भी समय मेरे घोड़े उठा ले सकता है। तो हवे आवियो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लट्टू होना, मुग्ध होना, लोग के लाभ के जातु पर लट्टू हो जाते हैं। बीजू, चांद चैन आना, मानसिक शांति मिलना, दंगे से बचकर मेरे ही सही सलामत घर आने से चैन मिलती है, कानों तक पहुंचना,
सुनाना, सेनापति के अत्याचारों के खबरें बादशाह के कानों तक पहुंच जाई। आँख से गुजरना, देखना, ऐसा दृश्य कभी मेरी आँखों से न गुजरा था। पांचवा, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या पैदा होना, मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। छठो, खुला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाई, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, अपनी मित्र को दूरदर्शित पर देखने कर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, दिल टूटना, निराश हो जाना, मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया, मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना, बहुत आश्चर्य होना, चौकीदारी को चोरी करी देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, सिर मारना, बहुत सोच विचार करना, मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका, आंखें गड़ाना, ध्यान से देखना, आप खाना तो खा नहीं रहे, वह बस टीवी ही आंखें गड़ा रहे हो, मुंह मोड़ना, विमुख होना, सच्चा नेता जनसेवा के कामों से भी मुंह मोड़ लेता है। हमें प्रश्न नंबर 9, किसने किसी से सही उत्तर के सामने राइट की निशानी कीजिए। दुर्गा दत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सोतेला भाई हूँ, अपाहिज के बाबा भारती से, बाबा भारती से अपाहिज से, तो जवाब आवशे अपाहिज बाबा भारती से। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, बाबा भारती खड़क सिंह से के ब खड़क सिंह ने बाबा भारती से, तो बाबा भारती खड़क सिंह से। हमें प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों को विमोल शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर तो के अति सुंदर, असुंदर उनके नौकर का चेहरा असुंदर था, जमीन तो के आसमान, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या उषा, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब अमीर, वह जमींदार बहुत गरीब अमीर था। विश्वास अविश्वास, सेठानी को नौकर पर अविश्वास। हाँ, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए। प्रति अने नीर, प्रति वत्ता दिन, प्रतिदिन, नीर वत्ता आधार, निराधार, नीर वत्ता मूल, निर्मूल, प्रति वत्ता कुल, प्रतिकूल, नीर वत्ता जल, निर्जल, नीर वत्ता दोष, निर्दोष। हमें प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों में प्रत्येक शब्द जोड़कर शब्द बनाए। ई अनित्व, मुख वत्ता इक, मौखिक, मनुष्य वत्तात्व, मनुष्यत्व, भूत वत्वा इक, भौतिक, सम मम वत्तात्व, ममत्व, समाज वत्ता इक, सामाजिक, सम वत्तात्व, समत्व। हवे आव्यो 13मो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क
के जैसे खड़क सी इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण में कुख्यात वाक्य, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। तो अँ तुम्हारे कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बीजू, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, अपने प्यारे घोड़े को लिपट कर रोने लगा। बाबा भारती प्रसिद्ध डाकू है। हवे एमा तमारे क्रम विशेषण अने वाक्य आपू छे। तो पेलू छे सुंदर, मुंबई सुंदर शहर है। बीजू बाका, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ठंडे, हमने गंगा नदी के ठंडे जल से स्नान किया। प्यारे, पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। प्रसिद्ध, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। प्रश्न नंबर 14, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट गई। लूट किस गलती से कारण हुई होगी? लुटेरे कौन है हो सकते हैं? इस घटना के अनुमान लगाए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए लिखिए। रोहित, अरे कल रात मैं अपने गांव की अद्भुत बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक, हाँ सुनी। दमन, बैंक में हो दो चौकीदार भी थे। रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर वे लुटेरे कौन ही हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर में मूर्तियां चुराई है। रोहित, सेठ करोड़ी मिल के घर में बड़ा डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मैं, कोई भी हो है, बड़े सातिर और हिम्मत वाले हैं। दमन, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते हैं। मयंक, ऐसी घटनाओं से बचाए कैसे होए? हवे प्रश्न नंबर 15, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडोल टांगे, जिन्हें देखे ही तो सुप्रसिद्ध गति की बिजली की लहर सोने वालों की आंखों में कोर्द जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतना प्रभावित हुई कि किसी चंपावरणासी ऋषि के लिए उपयुक्त सेना सोना सुवर्ण आदि नाम का उसका परिचय बन गया। परंतु उसे बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यर्था कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटी है। बेचारी सोना भी मनुष्य इसी निष्ठुरता मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थल में जब असल भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों से आहट से चौक भागा, तब सोना की मां सदस्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदय जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में अपने प्राण दिए। तो हवे जवाब लखवाना छे। अहीं तमने प्रश्न आपे छे तो एना जवाब आपणे लखवाना छे। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क, सोना हिरण का रंग कैसा था? लाल, पीला, सुनहरा। तो जवाब आवशे सुनहरा।
मृग समूह किसकी आहट में झोंक कर भागा, पटाखे की, शिकारियों की बादल की, तो के शिकारों की। हवे प्र एमा छे रिक्त स्थान भरिए। बीजू, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी, शैशववस्था। ख, हिरणी सावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा करता है जैसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। त्रीजू, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट तो के चाप, शैशव अवस्था तो के शिशु की अवस्था, बचपन। हवे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विमूल शब्द लिखिए। क, लघु तो के विशाल, विराट, मानव तो के हैवान, मनुष्य। हवे पांचमू, हिरण शावक को सोना की शारीरिक बनावट कैसे थी। हिरण्य शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ से समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह में छोटा सा और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न नंबर 16, एक दिन बादशाह आकर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का आवाज़ क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबार ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया और किसी ने सिंह को बताया। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। तब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया। तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे। तब बीरबल ने कहा, एक बार हवा, पानी, सूरज में बसई छिड़ी तीनों स्वय को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदातु ने इन दिनों की बात सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कौन पहने जा सकता है। उनका कोई उतरा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ती है और तेज चलने लगती है। उसने तूफानी रूप से ले लिया, यात्री का फट गया। उसने हाथ से तह कर कर लोटा पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी में अपनी ताकत दिखाई शुरू कर दी। जोर की बारिश उन्होंने लगी। यात्री पूरी हो गई। बिक गया पर उन्होंने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। तो अहीं छे ये प्रश्न पूरो थाय। हवे प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेलिए लिखिए। नीचे सीधे, अच्छा उद्देश्य, अचानक दया, बेचैन, बढ़ाई, सत्य, नभ, नफरत। तो अधिकार ऊपर उबिलिटी में आवशे अभिलाषा। पछी बीजू प्रशंसा तो के प्रयोजन। त्रीजू सच तो सही सा। चौथू गगन। पाछू चौथू छे करुणा अने पाँचमू छे ध्रुणा। तो अहीं छे ए आपणुं पाठ छे ए पूर्ण थाय छे। हवे पछी आगला पीरियड में आगळे पछी जोशुं।